कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुजफ्फराबाद डिवीज़न की टीम मुजफ्फराबाद बहादुर, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है इस इवेंट को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, मेरा तलक डिस्ट्रिक्ट जलमवेली से है और मैं हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह तहसील लेवल खेलने के बाद, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के बाद अब डिवीज़न से अच्छा मुकाबला किया हमने और हम KVSL के सुपर लीग के इस मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम यंग टैलेंट है, इंशाल्लाह हम तमाम डिवीज़न को मीट करेंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे। बाकी हार जीत गेम का हिस्सा है, इंशाल्लाह ताला जितना अच्छा ये मेला सजा हुआ है, कोई भी टीम जीतती है हम ये समझेंगे कि हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो KVSL शुरू हुआ है, इसका मैं ये समझता हूँ कि एक नौजवान, तमाम ही नौजवान प्लेयर्स को यूनिकॉन्सल लेवल से उठाया गया है कि वो अपना टैलेंट शो करें और आगे जा सकें, पाकिस्तान लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे खेल सकें, अपना टैलेंट दिखा सकें। ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है, KVSL की विरासत है कि इस तरह से तमाम प्लेयर्स को मौका मिला है और ये पहली बार था कश्मीर में ऐसा हुआ, इससे पहले ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। हम इन तमाम इंतजामिया का, तमाम जो KVSL को प्रमोट कर रहे हैं, ऑनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। अच्छा, एक तरफ आपने UC लेवल पर खेला है और अब आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में आप कितना डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? पहले जो यूनियन काउंसिल लेवल थे वो लो मुकाबले थे, इस लेवल के नहीं थे, वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती जो हमें अब मिला है। ये हमने लाइफ में पहली मरतबा ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हम सिर्फ TV पे देख सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह KVSL ने हमें इज्जत दी है और इंशाल्लाह हम अपना टैलेंट शो करेंगे और मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप कौन सी पोजीशन पर खेलते हैं? मैं एज अ कैप्टन हूँ, स्मैशर हूँ अपनी टीम में और मैं मुजफ्फराबाद बहादुर को लीड कर रहा हूँ। और ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में, हम लगातार प्रैक्टिस में और ऑलरेडी 4-5 दिन से हम इस लीग के लिए आए हुए हैं और तमाम तर इनकी वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो अटेंड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम फुल पोजीशन में तैयार हैं प्रैक्टिस में। अच्छा, आप बताएं इस इवेंट के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकास अहमद है और मेरा तलक डिस्ट्रिक्ट जलमवेली से और मैं मुजफ्फराबाद बहादुर की टीम में एज अ डिफेंसर खेल रहा हूँ। और बेसिकली ये कि इससे पहले हमारे कश्मीर में कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा जो टैलेंट है वो सामने आ सके, तो ये हमारा पहला ऐसी लीग है, पहला इवेंट है जिससे हमारा जो है हमें प्लेटफॉर्म एक मुहैया किया गया है जिससे हमारा टैलेंट शो होगा और हमारे जूनियर्स को ये मैसेज आएगा कि बेहतरीन मैसेज आएगा कि वो अपना टैलेंट शो करें और अपनी स्किल्स को शो करें आगे। झेलम वैली की आवाम के हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? जी, झेलम वैली की आवाम जो है वो हमें फुल सपोर्ट करती है और अच्छी आवाम है, उधर वॉलीबॉल को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पर सपोर्ट थोड़ी कम है लेकिन वॉलीबॉल को ज़्यादा फ़रोग देनी चाहिए। आप किस पोजीशन पर खेलते हैं? जी, मैं एज अ डिफेंसर खेल रहा हूँ अपनी टीम में। क्या आप बताएं इस इवेंट के हवाले से क्या आपकी फीलिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नमान हफीज़ है, मैं मुजफ्फराबाद बहादुर को लीड कर रहा हूँ। मेरा तलक जलम वैली से है। बेसिकली KVSL करवाने का मकसद है कि हमारी यूथ को आगे प्रमोट किया जाए, स्टेट लेवल पे लेके जाया जाए। मैं तमाम ऑनर जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। इससे पहले तो वॉलीबॉल का नहीं हुआ, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग दी जा रही है, वॉलीबॉल तो बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया है, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये वाला इवेंट करवाने के लिहाज से हमारी यूथ ऊपर आएगी और मैं इंतज़ामिया से, हमारी जो AJK गवर्नमेंट्स है, मैं उनको ये इल्तिजा करता हूँ कि इस तरह के इवेंट हर साल होने चाहिए, मुनक़द होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है इस इवेंट के लिए और मैं पुरुद हूँ कि मेरी टीम इंशाल्लाह फाइनल जीतेगी। अच्छा, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिन्होंने मूछों को ताव ऐसे दिए, लगता है कि वो इस दफ़ा इस कप को जरूर जीत कर लेकर जाएंगे, क्या फीलिंग्स आती है इस इवेंट के हवाले से? इवेंट के हवाले से तो फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, पहली बार आज़ाद कश्मीर में ऐसा इवेंट देखने को मिल रहा है। वॉलीबॉल तो होता था हमारे डिस्ट्रिक्ट में और ये जो हमारा डिवीजन है बहुत कम होता था, लेकिन ये जो हमें मौका मिला है, ये जो KVSL का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इधर पूरे कश्मीर में वॉलीबॉल को फ़रोग दिया। KVSL का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके स्पॉन्सर का, जिन्होंने हमें मौका दिया। ये जो हमारा यंग टैलेंट है ये सामने आएगा, इसलिए और मैं ये ख्वाहिशमंद हूँ कि इस बात का कि ये KVSL सालाना हो जिससे और बाकी आने वाले नौजवानों को फ़ायदा हो, ताकि सालाना इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर पाकिस्तान टीम को अच्छे खिलाड़ी मिल सकें कश्मीर से। तो कैसा आप फील कर रहे हैं कि UC लेवल से उठा कर आपको स्टेट लेवल पर लेकर आए, वहाँ की जो गेम है और यहाँ की गेम में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब हम UC लेवल पे खेलते हैं तो
उधर सिर्फ ज़्यादातर हमारे गांव वाले देखते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता चला है, इधर एक टूर्नामेंट हुआ है, KVSL ने करवाया है, फिर हम इधर अब डिवीजन लेवल पे हमने इधर खेला है। अभी हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट जलम वैली से और रिप्रेजेंट मुजफ्फराबाद को कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। तो इधर ये है कि अब ये इवेंट आ गया, ये अब मीडिया पे जा रहा है और हर तरफ जा रहा है सोशल मीडिया पे, इस बात की यही खुशी है कि हम पहले यूनिट कौनसल लेवल पे खेलते थे, कोई भी नहीं देखता था, अब हम लोगों को देखेंगे सारे कि हमारा टैलेंट क्या है। अच्छा, किस पोजीशन पर खेलते हैं आप? मैं एज ए डिफेंसर खेल रहा हूँ मुजफ्फराबाद बादल्स में। आप बताएं, आप इस टूर्नामेंट को लेकर किस हद तक खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आफाक एजाज है, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मुजफ्फराबाद बहादुर्स की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। KVSL एक शानदार इवेंट जो कि यूनियन कौंसिल लेवल से शुरू हुआ और आज हम डिवीजन लेवल पर खेल रहे हैं, और एक शानदार इवेंट, इससे पहले ऐसा इवेंट देखने को नहीं मिला और हम बहुत खुश हैं कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ और मिला कि हम अपना टैलेंट शो कर सकें। कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अली है और मैं ज़िला जेलम वैली से तलक रखता हूँ, और मुझे खुशी है कि हमें ऐसा इवेंट मिला जिसमें हम अपनी कारकर्दगी दिखा सकें, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह के हमारे इवेंट होंगे। तो हम पाक फ़ौज और दीगर मेंबर का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। आप क्या कहेंगे कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज़ खान है, मैं जेलम वैली से तलक रहता हूँ। मैं KVSL में एज अ स्मैशर अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ, और हमें बहुत खुशी है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म और मौका मिला अपने गेम को दिखाने का और दुनिया को दिखाने का, हमें मौका मिला कि हम खेल सकते हैं, और हम तमाम मेज़बान और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक हमें ले किया। इस इवेंट को लेकर तैयारियाँ कैसी हैं आपकी, प्रैक्टिस की है आपने थ्रू आउट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम काफ़ी अरसा से इस पर मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है और हम कप ले कर जाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली, मैं जेलम वैली से हूँ, तो मुजफ्फराबाद बहादुर की टीम है, तो बहुत खुशी है इस इवेंट के बारे में जो आर्मी वाली करवा रहे हैं। ये थी हमारी मुजफ्फराबाद डिवीजन की टीम, जिनके साथ हमने बात की, उनकी फीलिंग्स जानी इस इवेंट के हवाले से। मज़ीद भी हम आपको बाकी टीमों से भी मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस इवेंट के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिए।